viscosity, sheet number 114, viscosity, sheet number 114. हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर पाइप्स सीरीज में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या रहेगा दोनों में सेम, और अगर पाइप्स पैरेलल में है तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इनमें क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन प्रेशर की वैल्यू पाइप पैरेलल के अंदर क्या रहेगी एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट है, इसके बेस पे हमने दो तीन क्वेश्चन किए थे तो कुछ स्टूडेंट दूसरे बैच के बोले कि एक बार फिर से बता दो, तो मैं भी आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ एक मिनट में। कि अगर मान लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, एक ट्यूब है जिसकी लेंथ एल है और प्रेशर पी है और रेडियस आर है, उसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड वी है, तो वी का फॉर्मूला पॉइसलीज फॉर्मूला से पाई बाई 8 पी आर 4 बाई ईटा एल। वो कहते हैं कि अगर मान लो इस पाइप को छोड़ दें और दो पाइप्स लें सीरीज में, एक का रेडियस आर एक का आर बाई 2, तो प्रेशर डिफरेंस ऑब्वियसली दोनों पाइप्स के अक्रॉस डिफरेंट होगा, लेकिन टोटल प्रेशर उतना ही रखना जितना पहली पाइप का था, तो नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालने क्या होगा, तो जो भी नया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होगा वो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड सीरीज के अंदर पहली पाइप में एंड दूसरी पाइप में रहेगा एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड और इसका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इक्वेट करते हैं, इक्वेट करके पी वन और पी टू के बीच में क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 टाइम P1 आ जाएगी, तो टोटल प्रेशर P क्या है P1 प्लस P2, P2 की जगह 16 P1, तो P1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P आ जाएगी। अब मेरे को पता है कि मेरे को इन ट्यूब में से किसी का भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकाल दूं आंसर तो सेम ही रहेगा, तो किसी भी ट्यूब का ले लेते हैं, मान लो फर्स्ट ट्यूब का वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड P1 की जगह P बाय 17, 1 बाय 17 बाहर आ गया, इसकी जगह हम V पुट कर सकते हैं तो आंसर V बाय 17 होगा। ठीक, तो क्योंकि मेरे को आंसर V की फॉर्म में देना है तो मैंने V की फॉर्म में निकाला। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डिफरेंट होगा, पहली पाइप में डिफरेंट दूसरी पाइप में डिफरेंट, लेकिन प्रेशर की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पहली और दूसरी पाइप का ऐड करेंगे, पहली पाइप का दूसरी पाइप का ऐड करके ये टर्म आएगी, इसकी जगह V पुट करेंगे आंसर 17 बाय 16 इनटू V आएगा। यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था, आज हमने जो करना है वो ये क्वेश्चन है। एक स्फेयर को हमने ड्रॉप किया, ठीक, ड्रॉप किया अंडर ग्रेविटी, वो स्फेयर नीचे आ रहा है, विस्कोसिटी ईटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि विस्कोसिटी ईटा है, तो एक विस्कस लिक्विड है जिसके अंदर ये स्फेयर नीचे आ रहा है। आगे, द एवरेज एक्सेलरेशन एज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, या टेकिंग एवरेज एक्सेलरेशन हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, ये स्टेटमेंट खुद एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। जब भी हमने एक स्फेयर को ड्रॉप किया, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था टर्मिनल वेलोसिटी, अगर आपको याद हो। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या करते थे कि हम एक स्फेयर को वेलोसिटी इनिशियल क्या रखते थे, जीरो। कौन इसको नीचे लेके आता था, इसका वेट, इस पे क्या ऐड करता था, अप थ्रस्ट, और साथ में एफ इज इक्वल टू व्हाट, 6 पाई ईटा इनटू आर इनटू वी, ये टॉपिक यही था। तो शुरू में इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो फोर्स भी क्या थी, जीरो। तो मैंने कहा था इमेजिन कर लेते हैं कि वेट 10 न्यूटन है, इमेजिन कर लेते हैं कि अपथ्रस्ट 2 न्यूटन है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी है, 10 में से 2 गया 8, क्या बोलते हो, बॉडी एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो कैसे करेगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपके पास टोटल एक्सेलरेशन ही आ जाएगी, कोई डाउट इसमें, एक्सलेट करेगी। अब एक प्रॉब्लम है, जैसी एक्सलेट करेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ गई, फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई, मान लो 1 न्यूटन हो गई, फिर 2 न्यूटन हो गई, फिर 3 हो गई, बढ़ती जाएगी। जब फोर्स 1 न्यूटन हुई तो नई एक्सलेशन कितनी आ गई, नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्सेस डिवाइडेड बाय एक्सलेशन आ गई। फिर जैसी फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन हुई तो 1 की जगह 2 आ गया अपॉन मास। तो इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी, आपके सामने ही है, जैसे जैसे ये फोर्स चेंज होती जाएगी, और फोर्स चेंज होगी क्योंकि बॉडी वेलोसिटी को वेलोसिटी बढ़ाती जा रही है, तो फोर्स चेंज होगी, फोर्स चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, कोई डाउट इसमें। और फाइनल एक्सेलरेशन पता है क्या हो जाएगी, जीरो। वो क्यों, क्योंकि उस टाइम बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें।
इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो जिसमें मैं क्या बोल सकता हूं, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? देखो हमने क्या किया, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, बॉडी का वेट 10, अब थ्रस्ट 2, ये फोर्स शुरू में जीरो, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। आंसर, ये इसकी इनिशियल एक्सेलेरेशन होगी। अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ, आपने बोला एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी। मान लो फोर्स 1 न्यूटन है, तो अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगी, ओ सॉरी मैंने यहां पर 10 माइनस 2 करना था, आई एम सॉरी, तभी मैं सोचूं कि क्यों फिर से पूछ रहे हो, ये 2 है, आई एम सॉरी। अब ठीक है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, 10 में से 2 गया 8, तो इनिशियल एक्सेलरेशन इसके इक्वल होगी। उसके बाद क्या होगा, ये 1 न्यूटन, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, एंड सो ऑन। अब ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, कोई डाउट इसमें? ठीक, यहां तक क्लियर है। और फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, तो उस टाइम एक्सेलेरेशन जीरो। तो जब बॉडी चली, वेलोसिटी जीरो, और जब उसने क्या एक्वायर कर ली, टर्मिनल, टर्मिनल हर इंस्टेंट पर एक्सेलेरेशन अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसने कहा टेकिंग एवरेज एक्सेलेरेशन। अब ये मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ठीक है, उन सभी एक्सेलेरेशन की वैल्यू जब तक बॉडी क्या एक्वायर करती है, टर्मिनल, लेट अस सपोज एक एक्सेलेरेशन जिसका बोलते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन, तो इन सभी एक्सेलेरेशन का एवरेज जो भी होता होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन एज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलेरेशन। तो जब बॉडी चली थी तो एक्सेलेरेशन क्या थी, इनिशियल, तो मान लेते हैं कि एवरेज एक्सेलेरेशन इज हाफ द इनिशियल। शो दैट टाइम टेकन टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी। तो जब ये बॉडी चली थी जीरो से, और जब इसने क्या एक्वायर कर ली, टर्मिनल वेलोसिटी, उसमें कुछ टाइम लिया इसने, प्रूव करो वो जो टाइम है वो लिक्विड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल पड़ी। एक, एवरेज एक्सेलेरेशन, पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, पहले तो मैं एवरेज एक्सेलेरेशन निकाल ही नहीं सकता, मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ूंगा आगे, एक। फिर दूसरा, इनिशियल एक्सेलेरेशन, मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि इनिशियल एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगी, दो, मैं इसी में पहले तो कंफ्यूज था। फिर वो कहता है टाइम निकालो बॉडी का टू अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी, अब मैं सोच रहा हूं कि टाइम भी कैसे निकलेगा, तो ये तीसरा क्वेश्चन होगा जो मेरे माइंड में आ रहा है। फिर ऊपर से कहते हैं टाइम तो निकालो निकालो, ऊपर से लिक्विड की डेंसिटी के इंडिपेंडेंट भी प्रूव करो। हम एक काम करते हैं, हम ना धीरे धीरे करते हैं, पहले हम ना इनिशियल एक्सेलेरेशन निकालते हैं बस। इनिशियली एक्सेलेरेशन जब निकलेगी तो इनिशियली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि इनिशियल में वेलोसिटी क्या थी, तो नीचे की फोर्स क्या थी, वेट, ऊपर की क्या थी, अप थ्रस्ट। तो इधर आ जाओ, मास इनटू एक्सेलेरेशन, नीचे का वेट माइनस अप थ्रस्ट, नीचे के वेट में किसकी डेंसिटी, बॉडी की, अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी, लिक्विड की, तो बॉडी की डेंसिटी माइनस बॉडी का वेट माइनस अप थ्रस्ट इज नेट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि मैंने इसमें एफ को क्या माना, जीरो, इसमें नो इनिशियल विस्कस फोर्स, तो इसीलिए ये जो एक्सेलेरेशन आएगी, ये कौन सी एक्सेलेरेशन मानी जाएगी, इनिशियल एक्सेलेरेशन। क्या ये स्टेप क्लियर है? मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ इसे कंपेयर करूं, तो ये 10 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, 10 में से 2 गया, मास इनटू एक्सेलेरेशन, जो कि इनिशियल एक्सेलेरेशन है, कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कि इनिशियल एक्सेलेरेशन में एफ को क्या मानना है, जीरो, पीछे क्लियर है यहां तक? ठीक, हम ही करना होता है बीच में ऐसे, हाँ यस ना बोलो, ऐसे तो कर दो, ठीक है। तो वेट में से अप थ्रस्ट गया, वेट में से अप थ्रस्ट गया, तो इनिशियली फोर्स क्या है, जीरो, तो जो भी एक्सेलेरेशन आएगी, मास इनटू एक्सेलेरेशन, वो क्या होगी, इनिशियल। मास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम 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 कैंसल, यहां से ए निकाल लेते हैं, ये जो ए आएगा, ये कौन सी एक्सेलेरेशन आई, इनिशियल, इसको संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। चलो एक स्टेज तो बढ़ी, इनिशियल एक्सेलेरेशन क्लियर हो गई, तो इनिशियली एफ को क्या मानेंगे, जीरो। अब दूसरी स्टेज पे चलते हैं, अब निकालते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन।
देखो एवरेज निकालना ज्यादा आसान है, क्यों? एवरेज एक्सलेशन इज अ कांस्टेंट एक्सलेशन, जो एवरेज एक्सलेशन है वो चेंज थोड़ी ना होती है, एवरेज तो कांस्टेंट होती है, और जब जर्नी में एक्सलेशन कांस्टेंट होती है मैं रूल ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकता हूं, और रूल ऑफ काइनेमेटिक्स क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एट इज एप्लीकेबल। तो मैंने भी क्या किया, वी इज यू प्लस एटी लगा दिया। तो जब बॉडी चली थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और थोड़ी देर के बाद उसने क्या एक्वायर कर ली, टर्मिनल। पूरे रास्ते में एक्सलेशन कांस्टेंट मानी मैंने ए डैश, और ए डैश को क्या बोलेंगे, एवरेज एक्सलेशन। तो यहां से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया, एवरेज एक्सलेशन क्वेश्चन में गिवन है इज हाफ ऑफ इनिशियल एक्सलेशन, तो यहां पर हाफ ऑफ इनिशियल एक्सलेशन पुट करेंगे इनटू टी। अब ए इनिशियल एक्सलेशन ऊपर हमने निकाल ली, इस ए की जगह वैल्यू पुट कर दें, ये डेंसिटी क्या हो गई, तो पूरे एक्सप्रेशन में डेंसिटी ही नहीं कोई बची, टाइम इसके इक्वल आ गया, रादर रो बचा एक, सिग्मा नहीं बचा, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड, और हमने यही प्रूव करना था जो टाइम है वो लिक्विड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब इसमें सिग्मा नहीं आना चाहिए था, ये प्रूफ था। तो टाइम निकाल लिया हमने, क्लियर है। मुश्किल थोड़ा सा शुरू में लगता है कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी कैसे निकलेंगी, पर धीरे धीरे करेंगे तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल है थोड़ा सा, सॉल्यूशन इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आइडिया क्लियर है यहां तक, ओम ओम, ठीक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन अभी एक दो साल पहले, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मैं साथ साथ जरा ट्राई करता हूं कि आपको यहां पर समझा सकूं कि एक सॉलिड स्फीयर है, और हाँ इसका ये मिसलेनियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, यंग्स मॉडुलस की, बल की और विस्कोसिटी की, मतलब पुराने पेपर्स चल रहे हैं अब थोड़े से, ये मतलब 2018 वाले, 2019 वाले, अभी हम एक दो लेक्चर की बात करेंगे जब एक बार सिलेबस हमारा खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एक लेक्चर लगा के पूरा इस साल का पेपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब कभी ना कभी आया हुआ पेपर है किसी मेडिकल या नॉन मेडिकल में, एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सॉफ्ट मटेरियल है जिसका बल्क मॉडुलस के है, ठीक है, कोई सॉफ्ट मतलब ये दब सकता है और कंप्रेस हो सकता है, तभी बल्क मॉडुलस टर्म यूज किया। वो कह रहे इस सराउंडेड बाय अ लिक्विड, एक लिक्विड में हमने इसको डाल दिया, ये लिक्विड है ये डाल दिया, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया, ये एक पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, पिस्टन है, और पिस्टन इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, इसका मतलब अभी आपने इसे दबाया नहीं है, फ्री टू मूव है। आगे अब वो कह रहे हैं व्हेन एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर मैंने एम लगाया तो नीचे इसने क्या लगाया अपना वेट, तो फोर्स कितनी लगी एम जी, जिसने की क्या किया पिस्टन को दबा दिया, पिस्टन दबा, पानी कंप्रेस हुआ, बॉल कंप्रेस हुई और बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। पिस्टन रखा, पिस्टन का एरिया ए था, अभी मैंने इसको टच नहीं किया था, इसके ऊपर मैंने मास लगा दिया, मास मतलब भार लगा दिया, कितना एमजी, एमजी फोर्स है, तो इतनी फोर्स से दबा दिया तो बॉल कंप्रेस हो जाएगी ना, पानी केमिस्ट्री में पढ़ते हो गैस कंप्रेस है, पानी कंप्रेस हो गया, तो अंदर बॉल पे जोर पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर कितना पड़ा ऊपर से, प्रेशर पड़ा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि एमजी पिस्टन का एरिया इज, इतना प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है यहां तक, इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ स्फीयर, इससे क्या हुआ आपका स्फीयर दब गया, कंप्रेस हो गया, तो पहले अगर रेडियस आर था तो चेंज इन रेडियस कितना हो गया डी आर, और ओरिजिनल रेडियस क्या था, ये आपको निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। क्वेश्चन समझ में आया, पिस्टन ने दबाया, पिस्टन पे आपने भार रखा, बॉल छोटी हो गई, रेडियस छोटा हो गया, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना है, ठीक। फॉर्मूला बल्क मॉडुलस का लगेगा, तो एक एक्चुअल तरीका और एक, इस क्वेश्चन को दो लाइन में मैं खत्म भी कर सकता हूं, अभी एंड में करूंगा, अभी नहीं करूंगा, पहले एक्चुअल सिखाऊंगा। तो एक्चुअल तरीका बल्क मॉडुलस है क्या, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी बाई वी या डी वी बाई वी एक ही बात है, तो इसमें प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया डी वी बाई वी। अब एक काम करेंगे, मेरे को फोर्स तो पता है एम जी के इक्वल है,
एरिया पता है ए के इक्वल है, मेरे को डीवी बाई वी नहीं पता। मैं काम करता हूं, मैं ना वॉल्यूम लिखता हूं स्फेयर का, कितना है बॉल का वॉल्यूम 4/3 πr³। मैं इसे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डीवी बाई डी आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर क्यूब की डिफरेंशिएशन 3r², 3 से 3 कैंसिल, डी आर राइट साइड पे चला गया, डीवी और डी आर का रिलेशन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये रिलेशन के बाद दोनों साइड्स को वॉल्यूम वी से डिवाइड कर देंगे, ताकि मेरे पास क्या आ जाए डीवी बाई वी। वॉल्यूम बॉल का कितना है 4/3 πr³, सॉल्व करेंगे कैंसिल करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो मैंने डीवी बाई वी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डी आर बाई आर, ये आंसर आ गया। कोई बोला हमें कैसे पता लगेगा कि ऐसे ऐसे करना था, मैंने कहा कि एक बार कर लिया तो पता लग जाएगा, वो कहता है ये अभी भी पता नहीं लगा। तो मैंने कहा फिर सुन एक शॉर्टकट, तेरे तो को पेन नहीं हाथ लगाने देंगे और तू ऐसे आंसर निकाल देगा। लोगों ने कहा हाँ वो मेथड बता दो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फिर ऐसे करो, आप वॉल्यूम लिखो, बोलो 4/3 πr, लिख दिया, आप ना एरर का रूल लगा दो, बोलो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या बनेगा, ये कांस्टेंट है 3 × δ, ये बनेगा ना डीवी बाई वी इज 3 × δ डी आर बाय लो, आंसर आ गया एक लाइन में, ये करने की जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया। लिख लो शॉर्टकट, ऊपर लिखना है तो आपके सामने है। एरर्स ऐसे करते थे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, तो लो डन हो गया एक मिनट में। मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, बुरा नहीं है वैसे इतना, पर हाँ एक्चुअल मेथड वही है। मैथ्स वालों को तो यही मैथ्स के टीचर सिखाएंगे, प्लस टू में कैलकुलस करेंगे ना जब, तो ऐसी प्रॉब्लम सिखाएंगे, मैथ्स वालों को तो दिक्कत नहीं है, मेडिकल वालों के लिए बड़ी सही टेक्निक है। तो एक लाइन में खत्म भी हो गया, इजी, इतना आसान है। तो ये स्टेप बच गए हमारे, ये सारे बच गए, हम सीधा ही, अब बच क्या गए, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, बोलो फोर्स की जगह एम जी, एरिया की जगह ए, डीवी बाई वी की जगह 3 × dr/r, और मुझको क्या निकालना है dr/r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर। दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेडिकल वाले तो ऐसे ही फॉलो करें। समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मॉडल्स पे डाल दिया, वैसे विस्कोसिटी खत्म हो चुकी है, प्लीज ये सिर्फ मिसलेनियस प्रॉब्लम चल रही है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी एंड प्रेशर एंड बल्क एंड यंग मॉडल्स का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेडिकल में शायद आया हुआ है या मुझे पता नहीं, किसी एग्जामिनेशन में तो आया है, सिंपल है, मेडिकल में शेयर मॉडल्स आ जाता है। क्वेश्चन ये है, इन दिस फिगर, आपको ना सिर्फ ये फिगर गिवन है, ध्यान ये फिगर गिवन है बस, जिसमें एक फोर्स ऊपर है और एक इक्वल फोर्स नीचे है, आगे और कितनी फोर्स लगाई 10⁵ N की फोर्स लगती है अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर और नीचे ऑन अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 cm, लग नहीं रहा क्यूब पर कि क्यूब है, प्लीज ये 10 cm की साइड है, बराबर है। अब उससे क्या हुआ, ये जो क्यूब है ये शिफ्ट हो गया बाय 0.5 cm ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हुआ क्या, जब आप खींचेंगे कि इलास्टिक मटेरियल है तो ये डेल्टा एक्स इधर चला गया, ये डेल्टा एक्स इधर आ गया, कोई डाउट इसमें। तो अब इस केस में शेयर स्ट्रेन क्या हो गया, थीटा हमने किया था, शेयर स्ट्रेन कितना बेंड हो जाना, एंगल थीटा। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अभी तो क्यूब की साइड 10 cm है, तो डेल्टा एक्स कितना है 0.5, अगर क्यूब की साइड 20 होती तो बोलो सेम कंडीशन पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होती। प्रॉब्लम समझ में आ गई, ठीक, तो क्यूब की साइड अगर 10 है, एफ फोर्स लगाने पे डेल्टा एक्स 0.5 है, क्यूब की साइड अगर 20 होती तो डेल्टा एक्स कितना होता, सिंपल, और कंडीशन सेम है, मटेरियल चेंज नहीं करना, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी सेम है। इलास्टिसिटी का कोफिशियंट क्या होता है, ईटा, इसमें ईटा क्यों, शेयर स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, ईटा क्या होता था, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन थीटा, राइट। अच्छा थीटा कैसे निकलेगा, बोलो टैन थीटा क्या होगा, इसमें डेल्टा एक्स बाय एल, एंगल बहुत छोटे हो तो टैन थीटा को सिंपली क्या लिखा जाता है, थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल,
इस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितनी, डेल्टा एक्स बाय, ये स्टेप क्लियर है, तो ये साइड पे लिख दिया थीटा की जगह डेल्टा एक्स बाय एल, तो ये आपके पास ईटा आ गया। अब दो केस हैं, पहला केस है कि अगर फोर्स एफ है, क्यूब की साइड 10 है, एरिया 10 का स्क्वायर है, डेल्टा एक्स 0.5 है। दूसरे केस में फोर्स सेम है, एल लेंथ ऑफ क्यूब 20 है, 20 का स्क्वायर, डेल्टा एक्स निकालना है। ईटा दोनों में सेम रहेगा, मटेरियल सेम है, इक्वेट करके डेल्टा एक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। बट आपको पॉइंट समझ में आ गया कि लॉजिक क्या रहेगा इसमें, तो फिर कोई पूछा कैसे पता लगेगा, पता लग गया, बस सीक्रेट खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो अगर कल को आएगा आपको पता होगा कि ईटा का फॉर्मूला लगना है, और ईटा में मेन प्रॉब्लम है थीटा की, तो टैन थीटा से हम अप्रोक्सीमेटली थीटा निकाल लेंगे। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज एक बार। यूनिफॉर्मली टेपरिंग कॉनिकल वायर, तो टेपरिंग का मतलब है कि इधर का रेडियस अगर आर है तो वायर का क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है, और कितना हो गया यहां पर 3R। इसको अगर मैं खींचता हूं, उसने कहा एक एंड को तो मैं, और यंग्स मॉडुलस इसमें वाई गिवन है, और लेंथ इसकी वायर की कितनी गिवन है, एल गिवन है, तो अपर एंड को फिक्स कर दिया, ये मैंने फिक्स कर दिया, और लोअर एंड के ऊपर मैंने वेट लगाया mg, तो the equilibrium extended length of the wire क्या होगी, क्योंकि वायर खिंच गई, application of Young's modulus है, तो y का formula लगाएं, y के formula में force क्या लगेगी बोलो, mg, area of cross section a, delta l मान लो increase in length upon l, अब problem है area of cross section, एक तरफ से बड़ा है एक तरफ से छोटा है, क्या मैंने आपको ये concept बताया कभी, क्या करते हैं अंडर रूट ऑफ ए वन, जब एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा हो तो फॉर्मूला क्या लगाना होता है, अंडर रूट ऑफ ए वन ए टू, तो नेचर ऊपर का एरिया लगाया, एरिया आ गया, इस एरिया को पुट किया, सॉल्व करके डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एल का मतलब इंक्रीज इन लेंथ आई, उसने इंक्रीज इन लेंथ नहीं पूछी, उसने कहा थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और एक्सटेंडेड लेंथ क्या होगी, एक्सटेंडेड लेंथ का मतलब लंबी होने के बाद वायर की नई लेंथ क्या होगी, पुरानी लेंथ क्या थी L, कितनी इंक्रीज हो गई डेल्टा L, नई लेंथ क्या हो गई L प्लस डेल्टा L, तो L में इस डेल्टा L को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, कॉमन निकालेंगे L, आंसर आएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो न्यू लेंथ क्लियर है। ये क्वेश्चन मुझे ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, हट के थोड़ा सा, और कैसा लगेगा ये आप ही डिसाइड करे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक बॉटल है, ये बॉटल का कैप है, बॉटल का कैप है, कैप की लेंथ बी है, जो बॉटल की ओपनिंग है उसका रेडियस ए है। आपने क्या किया कि आप एक कैप लेना चाहते हो, एक कॉर्क लेना चाहते हो ऑफ लेंथ बी, बी है एंड रेडियस ए प्लस डेल्टा ए। देखो अगर आप ढक्कन चढ़ाना चाहते हो तो बॉटल के रेडियस से तो ढक्कन थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए, कितना बड़ा करना है आपको, डेल्टा ए, हल्का सा बड़ा तो ऊपर चढ़ जाएगा।
अब डेल्टा ए इतना भी बड़ा नहीं है कि आपने रखा और वो ढक्कन गिर गया इसके ऊपर, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, डेल्टा ए छोटा है, आपको ना फोर्स लगानी पड़ेगी इसको चढ़ाने के लिए। वो जो फोर्स लगानी है वो कितनी है, ये क्वेश्चन है। कोई कहता सर मैं बॉटल लूंगा, ये रहा ढक्कन, कहता देखो चला गई, सही बोला, कहते क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि फोर्स कैसे लगानी है, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि फोर्स यहां लगेगी। मैंने कहा देख यही क्वेश्चन है, यही स्टेटमेंट है, उसने जो कहा मैंने तुम्हें बता दिया, और ये तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें ये अजम्पशन है कि फोर्स ऐसे ही लगी है अगेंस्ट, मतलब जो इस तरीके से उसने किया ऐसे नहीं मारना। ठीक, देखो बंदा तो सही कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे करूंगा तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे आप, तो ऐसे नहीं है। आपको फोर्स कहां पे लगानी है, फोर्स लगानी है पूरे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के ऊपर। सरफेस एरिया कितना है, 2πa(a)(b) के ऊपर। तो फोर्स एफ लगाएंगे जो निकालनी है, कितने एरिया पे लगाएंगे, 2πa(b) पे लगाएंगे। अब प्रॉब्लम में बल्क मॉडुलस के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको, इसका मतलब ये प्रॉब्लम बल्क मॉडुलस की है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखा मैंने, फोर्स बाय एरिया और डीवी बाय वी या डेल्टा वी बाय वी कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है यहां तक, फॉर्मूला लिखा। ये स्टेप करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इसका, सिलेंडर का पाई ए स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम यही है। एरर का वही रूल, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है, लेंथ तो चेंज नहीं होगी, इसमें चेंज क्या हो रहा है, रेडियस, तो सीधा रूल लगाएंगे डेल्टा वी बाय वी, कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, 2 टाइम डेल्टा ए बाय, तो एरर का रूल सीधा लगाया, ये स्टेप छोड़ देंगे, तो सीधा डेल्टा वी बाय वी या डीवी बाय वी क्या लिखेंगे, 2 टाइम डेल्टा ए बाय ए। क्या स्टेप क्लियर है, तो इस लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे, सीधा लिख दिया। तो बल्क मॉडुलस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा वी बाय वी की जगह 2 into delta A by A, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। पर मुझे लगता है कि थोड़ा उस टाइम करना इतना आसान नहीं रहा होगा स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन देखो बहुत सारे कंपटीशन में, मेंस में, नीट में आता रहता है, लोगों को स्टैंडर्ड ग्राफ याद आएंगे, ये भी सुन लो, आपको भी आज याद हो जाएंगे, अगर बस आ जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ बनेगा, इसमें कुछ चेंज कुछ नहीं होना। तो मेडिकल वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि सीधा इसका रिजल्ट ही सीधा देखेंगे और मार्क करेंगे और प्रूफ के अंदर नहीं जाएंगे। नॉन मेडिकल वाले क्योंकि थोड़ा ज्यादा क्वेश्चनिंग कर लेते हैं मैथ्स की वजह से, वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता जी, वो कर्व क्यों हो गया, वो एक्सपोनेंट क्यों हो गया, क्योंकि उनको थोड़ा मैथ्स आता है, तो उसका आंसर के लिए मैंने लिखा हुआ है, उनको आंसर देने के लिए मैंने लिखा कि कैसे सोचना है, मेडिकल वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन ये है कि लेट अस सपोज आपके पास ये ग्राफ्स गिवन है और इस ग्राफ में वो कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्पीड वी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके अंदर, एक बॉडी पॉइंट मास विच इज फॉलिंग वर्टिकली इन अ विस्कस लिक्विड इज वेरीड एज एफ इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स वी। मतलब आपने एक लिक्विड लिया, ये विस्कस लिक्विड है ईटा, आपने एक बॉडी को इसमें ड्रॉप किया तो इसमें क्या लगी, एफ इज इक्वल टू हम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, 6πE(rV), ये फोर्स लगी। पर वो कह रहा है ये फोर्स ऐसे मत याद करो, ये फोर्स कुछ ऐसे है, माइनस साइन का मतलब अपोजिंग फोर्स है, इसका मतलब ये फ्रिक्शनल की फोर्स है और ये वेलोसिटी के फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी सब कांस्टेंट। अब वैसे भी देख ना कांस्टेंट ही तो है ये सारा, ये कौन सा चेंज होने वाला है, तो इसने माइनस के लगा दिया, 6πE(rR) हटा दिया, हटा दे कोई बात नहीं, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी फोर्स बढ़ती जाएगी। ऐसे टॉपिक हमने किया, उस टॉपिक का नाम क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट, ऐसे किया हमने, उसी का ग्राफ है कि अगर एक बॉडी को हम ड्रॉप कर दें तो मुझे कुछ चीजों के आंसर दो, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, बॉडी शुरू में क्या करेगी, एक्सेलरेट, और करती करती थोड़ी देर में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ग्राफ प्लॉट करना है, वेलोसिटी जीरो है तो आंसर या तो ये होगा
ये तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। हिट एंड ट्रायल करते हैं पहले, वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है, नहीं ऐसा भी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो ये भी रूल आउट हो जाता है। वेलोसिटी बढ़ती 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 कांस्टेंट होती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती कांस्टेंट होती जा रही है, कुछ ऐसे। एक्सेलेरेशन के बारे में, एक्सेलेरेशन शुरू में इनिशियल सबसे ज्यादा होती है, बाद में एक्सेलेरेशन क्या हो जाती है, जीरो। एक्सेलेरेशन कम हो रही है बहुत देर के बाद, जीरो। जब वेलोसिटी बहुत देर के बाद क्या हो जाएगी, टर्मिनल, तो एक्सेलेरेशन बहुत देर के बाद, जीरो। तो ये कंफ्यूजन थी लोगों को कि ग्राफ ये मार्क करें कि ये मार्क करें, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी तो एकदम कांस्टेंट है, और एक्सेलेरेशन जीरो करें कि ना करें, स्टैंडर्ड ग्राफ है ये, ग्राफ आपको याद करना है। एक्सेलेरेशन लीनियर नहीं बनती। मेडिकल वाले तो सीधा आंसर ही मार्क कर दें, बातें खत्म, क्लोज करें, आपसे तो कोई पूछना नहीं है। नॉन मेडिकल वाले सुन लें, नॉन मेडिकल वालों को जब मैथ्स आ जाएगा प्लस टू में थोड़ा बेटर और बेटर, तो उनको एक आइडिया समझ में आएगा कि जब ये बॉडी नीचे गिरी थी तो इसका वेट क्या था, एम जी, अपोजिंग फोर्स क्या थी, के वे, और नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को वो पुट करेंगे डीवी बाई डी टी, तो इस पूरी टर्म में वेलोसिटी आ रही है, इसको वेलोसिटी के साथ, बाकी टर्म्स इधर। इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे लॉग आएगा, वन बाय सम वेलोसिटी लॉग में आएगा, और लॉग जब हटता है, मैथ्स में सिखाया जाता है, एक्सपोनेंट फंक्शन बनते हैं, एक्सपोनेंशियल सुना होगा। तो कहीं ना कहीं, आंसर नहीं सॉल्व करना आपने, कहीं ना कहीं वेलोसिटी के अंदर ई रेस टू पावर समथिंग आएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, और क्योंकि वेलोसिटी ई की पावर समथिंग में है, तो एक्सेलेरेशन के अंदर जब पुट करेंगे ऊपर, तो एक्सेलेरेशन में भी ई की पावर में ही आंसर आएगा, तो ई की पावर का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन ही होगा, आंसर सी होगा। हालांकि ये काम कोई करने वाला नहीं है पेपर में, ये तो मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए किया कि मैथ्स वाले लोग पूछ लेते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा कि लीनियर नहीं बना, एक्सपोनेंशियल बना, तो एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन आपको करना नहीं होता। मैथ्स के लोग थोड़े समझदार हो जाते हैं प्लस टू में, उनको टीचर एक्सपर्ट कर देते हैं, उनको पता है लॉग आएगा, लॉग एक्सपोनेंट है, स्ट्रेट लाइन उड़ाई देते हैं, वो सॉल्व थोड़ा करते हैं, वो अंदाजे से ही ऑप्शन मार्क करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हैं। पर मेडिकल वाले सीधा याद करें कि बस इसका यही ग्राफ है, क्लोज करें इसे, आपको नहीं आएगा, राइट? इन एनी केस, तो इसी के साथ आपका फ्लूइड फ्लो, सॉरी, जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, खत्म।